कौन सी दो टीमें हैं और क्या मकसद है इस मैच का, क्या वो खास मकसद है? ये मैच खेलने का एक ही मकसद है कि आपस में भाईचारा, सब लोग एक साथ रहें, एक मिलने जुलने का एक हो जाता है सब लोग साथ में। दूसरी चीज़ एंटी हीरोज़ और हीरोज़ का मैच है ये। तो अभी जो है एंटी हीरोज 164 मार चुका है, बैटिंग कर लिए हम लोग, और हीरोज बैटिंग कर रहा है, देखिए क्या होता है, मैच तो हम ही लोग जीतेंगे, फाइनल है। तो एंटी हीरो यानी कि विलेन का रूप ले करते हैं आप फिल्मों में, तो कभी हीरो बनने का चाहत रही है कि मैं हीरो का रोल प्ले करूं फ्यूचर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा है। शुरू से हमने सोच किया था कि मैं विलेन ही रहूंगा और विलेन ही बनूंगा। अच्छा, तो क्या चुनौती होती है जब आप विलेन का रोल प्ले करते हैं? मतलब आम जिंदगी में अच्छे इंसान होते हैं काफ़ी सारे विलेन। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि विलेन जो होते हैं वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जब पर्दे पे आते हैं हम लोग का पूरा नज़रिया बदल जाता है, फिर प्रॉपर एकदम विलेन हो जाते हैं। ओके, और प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा तो कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं सर आप फ्यूचर में? इस समय मेरे प्रोजेक्ट जो है अभी लेटेस्ट मैं शूटिंग करने जा रहा हूँ, मेहंदी लगा कर रखना पार्ट टू, डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर, अंजय रघुराज जी प्रोड्यूसर हैं उसके। आने वाली फिल्में हमारी है माई रे हमें वही लड़की चाहिए, अग्निसाक्षी, बहुत सारी फिल्में हैं जो आ रही हैं इस समय मेरी, और बस धन्यवाद देना चाहता हूँ सर।